पूछे गए हैं कि तीर्थंकर बालक की सेवा करने के लिए जो अष्टकुमारियां आती हैं वो कौन से द्वीप से आती हैं, उनके नाम क्या है। सामान्यतः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि ये नाम से आठ कुमारिका देवियां हैं और वो जो छह कुलाचल पर्वत हैं वहां से आती हैं। विस्तार से तिल्लोर पर्णति में आप पढ़ना। शांति और पुष्टि हैं, हाँ शांति और पुष्टि के संबंध में छह कुलाचलों का उल्लेख नहीं है, वो संभवतः और दूसरे द्वीप से आती हैं और अन्यत्र स्थान से आती हैं। फिर मोक्ष जाने के बाद, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद तीन अनुबद्ध केवली सहित और कितने जीव मोक्ष गए हैं। उपलब्धि में तो यही मिलता है, भगवान महावीर मोक्ष गए, उनके बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ वो मोक्ष गए, उनके बाद विशाखाचार्य को ज्ञान हुआ और मोक्ष हुआ, फिर 12 साल बाद फिर वो मोक्ष गए, उनके बाद लगातार अनुबद्ध केवली के रूप में जम्बू स्वामी 38 साल तक केवली रहे, फिर वो मोक्ष गए। इसके बाद कौन मोक्ष गया, फिर ऐसे मिलता है कि श्रीधर नाम के केवली कुंडलपुर से मोक्ष गए, तो हो सकता है कि कोई और केवली हो जो थोड़ा सा 2-4 महीने का अंतर के बाद हुए हों और मोक्ष गए हों तो वो अंतिम केवली हो गए। संभव है एकाध कोई और हुए हों जिनका उल्लेख शास्त्र में नहीं है। तो इस तरह से मोक्षगामी पुरुषों की एक श्रृंखला है। फिर पूछा है आचार्य श्री, ये अच्छे प्रश्न है, एससी जैन का है, वेद प्रकाश जी का है, आरके जैन का है। आचार्य श्री, चिकित्सा कार्य में कैप्सूल जिलेटिन व अन्य भक्ष औषधि का मरीजों को प्रयोग कराया जाता है, इसका डॉक्टर को कितना दोष लगता है, दोष निवृत्ति। देखिए दोष तो लगता है, ये सारी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां आज आई हैं, 100 साल 50 साल में आई हैं, इसके बिना भी तो सब कुछ हो ही रहा था, कोई ना कोई रास्ता था ही। तो जो भी है अपन को कोशिश करना चाहिए कि आयुर्वेद पद्धति का उपयोग करें, कम से कम जिलेटिन वाले कैप्सूल का उपयोग ना करें। आजकल बिना जिलेटिन वाले कैप्सूल भी शायद आने लगे हैं, चावल के उससे उसका वो बनाते हैं, इस टाइप का हमको एक बार सुनने को मिला था, तो उसमें भी सच्चाई हो सकती है। तो वो कोशिश की जाए कि शुद्ध शाकाहार। अब वैसे तो जो टीकाकरण होता है वो भी एक बड़ा जालसाजी वाला काम है, उसमें भी ढेर सारी कमियां हैं और ढेर सारे दोष हैं। तो क्या किया जा सकता है, जहां तक बचें बचाएं और शुद्ध आचार विचार पूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश करें, आयुर्वेद को ज़्यादा स्थान दें। योग और ध्यान के माध्यम से भी स्वस्थ रहा जा सकता है। स्त्री पर्याय का छेदन और मोक्ष पद पाने के लिए क्या आर्यकाल दीक्षा लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि साधकतम साधन नहीं है आर्यका दीक्षा, साधकतम साधन तो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो स्त्री पर्याय का छेद हो जाएगा। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्र्यंग स्त्री नपुंसकत्वानि दुष्कुल विकृताल पायुर ना भवंती शुद्ध दृष्टिया। शुद्ध दृष्टि वाला स्त्री पर्याय में नहीं जाता है, तो सम्यक दर्शन जरूरी है। आर्यका दीक्षा हो गई और सम्यक दर्शन ना हो पाया तो आर्यका दीक्षा भी अच्छी चीज है, उससे अपन को तत्व निर्णय के सम्यक दर्शन के देश वृत्त के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसलिए दीक्षा लेना अच्छी बात है, दीक्षा ना ले पाए सम्यक दर्शन का निर्णय करना प्राप्त करना बोल भी अच्छी बात है, और उससे स्त्री पर्याय का छेद होगा, जीव मोक्ष का मार्ग पाएगा। श्री राम जी ने युद्ध किया था, रावण अनेक जीवों की मृत्यु के कारण थे, तो कैसे वो उसी जीवन में तप करके मोक्ष जा सके, किसका है प्रश्न।
आपका ही हो सकता है, आप ही रजा जैसे दिखते हो। वास्तविकता ये है ना कि जैसे बहुत सारा रुई का ढेर हो, बहुत सारा भूसे का ढेर हो और एक तिल्ली लगा दो काड़ी, एक बार आग पकड़ जाए तो घंटे दो घंटे में चार घंटे में स्वाहा हो जाता है सर। ऐसे ही जन्म जन्म के किए हुए कर्म भी, तत्व निर्णय हुआ, भेद विज्ञान हुआ, सम्य दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान और चारित्र हुआ, रत्नत्रय की आग और तपस्या की भट्टी में क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो श्री राम ने जो युद्ध वगैरह किया उसके पीछे एक कारण था और अन्याय नहीं था, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। वो अपनी सीताजी को वापस लाने के लिए उन्हें आग्रह भी किया कि आप छोड़ दीजिए, मुझे झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जिस भूमिका में हूँ उसके लायक मुझे अपने काम तो करना पड़ेंगे। लेकिन अंत में युद्ध हुआ, रावण मारा गया, ढेरों सैनिक मारे गए, उसके बाद भी वो अपना कर्तव्य निभाते थे। दुश्मनी का भाव बैर बांध के नहीं चले, तो हिंसा जरूर हुई कि उनका अभिप्राय वैसा गलत नहीं था, एक बात। दूसरी बात, वह उस भूमिका में थे। तीसरी बात, जब वह उस भूमिका से आगे वाली भूमिका में गए, मुनिराज की अवस्था में आए, तो पूर्ण वीतराग भाव को अपनाया और कठिन तपस्या की ज्वाला में सारे कर्म के समूह को नष्ट कर दिया, जलाया, उसी भाव से मोक्ष पधारे। कुछ प्रश्न है इसमें भी। शांति धारा में बीजाक्षर का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। बीजाक्षर जितने अच्छे ढंग से प्रयोग किए जाएंगे उतना ज्यादा प्रभावशाली पूजा विधान और अभिषेक शांति धारा बन जाते हैं। भगवान पर शांति धारा क्यों होती है? अभिषेक शांति धारा में क्या अंतर है? मैंने सुना है कि शांति धारा यंत्र पर होनी चाहिए। अभी ऐसे तो अलग अलग तरह के पंथी हैं, हमारे यहाँ पंथियों की कोई कमी नहीं है। कोई तो भगवान पर करते हैं, कोई मूल नायक पर करते हैं, कोई अलग से मूर्ति रख लेंगे उस पर करते हैं, कोई मूर्ति रखेंगे लेकिन उस पर नहीं करेंगे, यंत्र अलग से विराजमान करेंगे उस पर करेंगे, और कोई मूर्ति और यंत्र तो वहीं वेदी में रहेंगे, बाहर थाली रख के खाली थाली में करेंगे, भगवान देखो हम शांति धारा कर रहे हैं। तो ऐसे ढेरों तरह के लोग हैं, अब ये आप इसमें से किसी को कुछ भी बोल सकते नहीं है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और इसमें तो गुरुवर भी हस्तक्षेप करें तो कहो उनको ही पंथवादी घोषित करके फजीती कर डालें। तो जो भी है, शांति धारा मतलब अपने विकारों की शांति के लिए, संसार की शांति के लिए, किसी तरह की आदि व्याधियां ना हो, उस तरह की एक प्रार्थना है। और ये प्रार्थना करने में कोई दोष नहीं आता, जैसे कहा हमने कि नर मारिम मनुष्यों पर आने वाली बीमारियां ना आवे, छिंद छिंद विंद विंद माने सब लोग सुखी रहें, तो ऐसी कोई भयंकर हमारी याचना भी नहीं है, भव निदान भी नहीं है, भक्ति भावना है और सबके कल्याण की भावना है। तो शांति धारा करना, अभिषेक तो अभिषेक जैसा किया ही जाता है, ठीक है। फिर लिखा है, अभिषेक के जल के लिए जल को प्रासुक करने की कौन सी विधि है? गर्म करना, जल को कितना गर्म करना, कितना ठंडा होने पर अभिषेक करना, और फिर आगम के अनुसार समाधान देने की कृपा करें। बहुत स्थानों पर इतने गर्म जल से श्री जी का अभिषेक किया जाता है कि किसी के शरीर पर डाल दें तो वो चिल्ला उठे। अब क्या इलाज है बताइए, हैं? इसका कोई इलाज नहीं है। जिन लोगों ने, जिन समाजों ने जो पुछल्ला पकड़ रखा है उसको छुड़ाना बड़ा कठिन है। या तो कोई खतरनाक उद्दंड टाइप का साधु हो कि साले गधो बंद करो, ऐसा चालू करो, वो चालू करो, वो बंद करो, तो चालू हो। हमारे जैसे सीधे साधे के बस का तो कुछ भी नहीं। लेकिन इतना जरूर समझें कि जल कुएं का होना चाहिए, इसलिए आपने कुआ बना लिया है, अच्छा है, उसी कुएं के जल से अभिषेक का प्रबंध आगे तक चलता रहे। और प्रासुक होना चाहिए, कम से कम इतना प्रासुक हो कि गर्म महसूस हो, तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाएगी। भाप निकलने लगी तो फिर आराम से वो 12 घंटे तक चल जाएगा। लेकिन अभिषेक करते समय भाप वाले पानी से नहीं करना, उसको शांत हो जाने दो,
नहीं तो दोष लगता है ऐसे। और अपने विवेक पर निर्भर करता है, शुद्ध से शुद्ध हो, अच्छे से अच्छा हो और भक्ति पूर्वक हो। इसके बाद समय हो रहा है, हम रवि व्रत करना चाहते हैं। पूजा पाठ चालीसा तो पार्श्वनाथ भगवान की कर लेंगे, लेकिन भगवान का जाप किस मंत्र से करेंगे? ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, बस ओम ह्रीम अर्हम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, ऐसे कर सकते हैं। स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं है, तो स्त्री पर्याय से तीर्थंकर प्रकृत का बंध हो सकता है? नहीं हो सकता। एक दिन एक व्यक्ति से अभिषेक के बाद मार्जन करते समय थाली में ही प्रतिमा गिर गई, उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अपने से तो वे अच्छे हैं जो अभिषेक नहीं करते, इतना बड़ा पाप तो नहीं होना। मन दुखी होने के कारण उस व्यक्ति ने ऐसा बोला, क्या यह सही है? देखो, भगवान गिर गए, पहली कोशिश करो कि भगवान ना गिरे, यंत्र ना गिरे, कोई पूजा की सामग्री ना गिरे। लेकिन कभी गिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको बंद ही कर दो। किसी के घर में मुनिराज का अंतरा हो जाएगा तो हमेशा के लिए चौका बंद करेंगे क्या? हैं ऐसे लोग, लेकिन वो गलत रास्ता है। कोशिश अच्छे से अच्छी करो और त्रुटि हो जाए तो प्रायश्चित ले लो। इस प्रकार से समय पूरा हो गया, आज अपन यही विराम करेंगे। विवेक और भक्ति पूर्वक अपनी आराधना करें तो जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।